नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। और मैंने शुरू कर दी है अपनी बरसात के अमरूदों की तैयारी। मेरे यहाँ कुछ बदलाव हुए हैं, मैं उन सबको बताऊंगा और किस प्रकार मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं उस सब की भी चर्चा करूँगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। किसान साथियों, यहाँ पर पहले मेरी नर्सरी थी, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है। जैसा आप सब जानते हैं, ये किसान भाइयों के बैठने के लिए स्थान है। पहले थोड़ी समस्या होती थी, इस टीन में गर्मी लगती थी, ये उनके बैठने के लिए स्थान है और ये अमेजिंग किसान का ऑफिस बनाया है। ये मेरा बाग है, इसमें कटिंग सभी पौधों की हो चुकी है। मैं बरसात की फसल ले रहा हूँ तो आप देखिए, मैंने इनमें हल्की हल्की कटिंग की है। मैंने कटिंग की सभी बारीकियाँ पहले कई सारी वीडियो में बताई हैं। आपको इन्हें थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना है, जो आपके पौधों की दूरी पर निर्भर करता है। ये मेरे पौधे 15x8 पर जिग जैग में लगे हुए हैं। तो जो इस पौधे से इस छोटे पौधे के बीच की दूरी 8 फीट है और इस बड़े पौधे से बड़े पौधे के बीच की दूरी 15 फीट है। ये मेरे बड़े पौधे हैं, अगले वर्ष इनमें से मैं एक एक लाइन हटा दूंगा तो मेरा बाग 15x16 का हो जाएगा। ये हिसार सफ़ेदा का पौधा है, इसकी भी कटिंग हो चुकी है। और ये अलाबादी सफ़ेदा का पेड़ है, इसकी भी कटिंग हो चुकी है। कुछ कटिंग करने वालों ने अमरूद छोड़ दिए थे, उनको हटा देते हैं। इन सभी के पत्ते मैं हटवा दूंगा, अभी 1-2 दिन और लगेगा। आप देखिए ये कटे हुए पत्ते पड़े हैं। कटिंग में आपको दो बातों का मुख्य ध्यान रखना है। एक तो उसकी लंबाई, आपकी कटिंग कहाँ से करेंगे, इस बात पर निर्भर करती है कि पौधों की दूरी कितनी है। और जो बहुत बारीक वाली टहनियाँ हैं, जो पेंसिल से बारीक टहनियाँ हैं, उनको हटा देना है। जो पेंसिल से मोटी टहनियाँ हैं उनको ही रखना है। और उन्हें जब आगे से ट्रिम कर देंगे, आप इस तरह से कर देंगे, तो यहाँ से कल्ले होंगे। ये देखिए कल्ले शुरू हो गए। ये मौसम वसंत ऋतु का है, आप ये देखिए कल्ले शुरू हो गए। और जहाँ से भी ये कल्ले निकलेंगे, सब जगह से, ये देखिए यहाँ से भी कल्ले निकलेंगे। तो उन पर अमरूद आएंगे और आपको भरपूर फसल मिलेगी। अभी देखिए इनके जो जड़ों में है वो सफाई हो चुकी है और कल से इनमें नालियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद खाद में मैंने कुछ चेंजेज की हैं। अब की बार मैं कोई भी केमिकल इस समय नहीं दूंगा। किसान साथियों, ये मेरा जो एक 6 लाइन है, ये 10x10 जिग जैग पर हैं और दूसरी तरफ फिर उसी प्रकार के पौधे हैं, वो 15x8 पर हैं जिग जैग में। ये मेरा श्वेता का पेड़ है, सभी की कटिंग हो चुकी है और खाद इनमें प्रति पौधा, जो बड़े पौधे हैं उनमें 10 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 किलो बोन मील और माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रतिशत जो है वो मैंने रखा है कि IRI से मंगाया है, तो ये 5 किलो 1 एकड़ में पड़ेगा। तो 1 एकड़ में जितने पौधे हैं उनमें मिला देंगे। इसके साथ ट्राइकोडर्मा होगा और सुडोमोनास होगा। और फिर इन सब को मिलाकर हम नाली में पौधे के चारों ओर देंगे और फिर उसके ऊपर हम NPK कंसोर्सिया पानी में मिला लेंगे, या जब हम फ्लड करेंगे खेत में NPK कंसोर्सिया पानी में मिला कर देंगे। इसके कई फायदे होंगे जो मैं आपको अगली वीडियो में, जो मेरी बायो फर्टिलाइज़र की वीडियो होगी, यानी जैविक खाद के ऊपर होगी, उसमें मैं बताऊंगा आपको। ये मेरा एक बाग था यहाँ पर छोटा सा, आपने देखी होंगी 3 लाइनें थी। मेरे पास जगह की कमी पड़ गई तो मैंने यहाँ पर नर्सरी के लिए बेड बनवाए हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ पेड़ थे तो हमने इसको रीडिज़ाइन किया है। ये कुछ पौधे रखे हैं, आम के हैं, बेर के हैं और अमरूद के हैं। ये देखिए, ये मेरे इसमें अब इस वक्त 7 पौधे हैं अमरूद के। ये देखिए इस तरह से मैंने इनमें नाली बनवा दी है। आप देखिए ये 6 से 8 इंच गहरी खुदवाइए कि इस तरह से ये जड़ें दिखने लगे। और यहाँ पर हम वो खाद डालेंगे और खाद डालकर ये जो मिट्टी है साइड की, ये वाली मिट्टी,
इसको हम ऊपर कर देंगे और फिर पानी देंगे। ये देखिए पूरे पत्ते हटवा दिए। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि जो बहुत बारीक टहनी है उस सब को हटाना है। पौधा आपको जहाँ क्रॉस कर रही हों टहनियाँ एक दूसरे से उनको हटा देना है, और जितनी गोलाई जो पौधे की दूरी के हिसाब से है आपको रखनी है, और जितनी ऊंचाई रखनी है उस सब का आपको ध्यान रखना है। जो ये जगह है इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो बागवानी से संबंधित कार्य करते हैं, नर्सरी से संबंधित है, उनके लिए बनाई है कि यहाँ पर बीच में छाया होगी। ये पौधे हैं जो हमारे अभी हमने बड़ी 9x9 की थैली में कराए हैं, और ये पौधे लगभग इनमें से आधे बुक हो चुके हैं, जिन्हें अभी लोग सरसों कटने के बाद ले जाएंगे, कुछ गेहूं कटने के बाद लगाएंगे। और ये लोग अधिकतर जो मेरे पास आते हैं उनके पास पानी की सुविधा है, मेरे क्षेत्र में कभी भी लगा सकते हैं अगर पानी की सुविधा हो। साथियों, ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति। बरसात की फसल लेने के लिए इस समय आपको क्या कार्य करने हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।